सांसारिक प्रेम की लौ जलाओ और राख की स्याही बनाओ, हृदय को कलम बनाओ, बुद्धि को लेखक बनाओ और वो लिखो जिसका कोई आरंभ या अंत ना हो। ये शब्द बाबा गुरु नानक के हैं। इनका जन्म एक उच्च वर्गीय हिंदू परिवार में हुआ था। विडंबना ये है कि इन्होंने कभी भी किसी धार्मिक अनुष्ठान का आचरण नहीं किया। अपनी शादी के दौरान भी इन्होंने पवित्र अग्नि के चारों ओर सात की बजाय केवल चार फेरे लेकर चली आ रही परंपरा को तोड़ा। लेकिन उन्होंने इन धार्मिक प्रथाओं का विरोध क्यों किया, आइए इस वीडियो के माध्यम से पता करें। बाबा गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 को पाकिस्तान के लाहौर के पास तलवंडी में हुआ था। कई वर्षों तक काम करने के बाद एक दिन हमेशा की तरह वह काली बेई नदी में स्नान करने के लिए गए, लेकिन वापस नहीं आए। वो कहाँ गए? गुरु नानक ने दशकों तक दुनिया की यात्रा की, अरब, तिब्बत और भारत के विभिन्न पवित्र स्थानों की यात्रा की। अपनी 30 साल की लंबी पैदल यात्रा के दौरान गुरु नानक ने कई पुण्य आत्माओं के साथ धर्म सीखने और सिखाने पर चर्चा की। अंत में वो करतारपुर में आकर बस गए, जहां उन्होंने एक धर्मशाल की स्थापना की। लोग चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या लिंग के हों, इस पवित्र स्थान पर आकर भजन गाने और लंगर नामक एक सामुदायिक रसोई में भोजन का आनंद लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। गुरु नानक ने एक बार कहा था कि ईश्वर एक है, वह निरंकार, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान होते हुए भी दयालु है। गुरु नानक ने आत्मसमर्पण और व्यक्तिगत नैतिकता पर बल दिया। उन्होंने सिखाया कि सभी एक समान हैं और इस कारण जाति, धर्म और लिंग भेदभाव के सभी रूपों को समाप्त किया जाना चाहिए। गुरु नानक की इस तरह की शिक्षा ने बड़ी संख्या में उनके अनुयायियों को आकर्षित किया। 1539 में नश्वर दुनिया छोड़ने से पहले नानक ने गुरु अंगद देव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक के शब्दों को संकलित किया और अपने स्वयं के भी कुछ विचारों को एक नई लिपि में जोड़ा, जिसे गुरुमुखी लिपि के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे वर्ष बीत गए और चौथे सिख गुरु रामदास जी ने रामदासपुर की स्थापना की, जो अमृतसर शहर के नाम से जाना जाता है। गुरु रामदास ने 1 सितंबर 1581 को निधन से पहले अपने 3 बेटों में सबसे छोटे बेटे अर्जुन को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना था। गुरु अर्जुन के समय में अमृतसर का विस्तार हुआ। मंदिर परिसर में एक तालाब का निर्माण करवाया, जिसके केंद्र में गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब है, जिसे वर्तमान स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं। जल्द ही अमृतसर सिख समुदाय के राजनीतिक केंद्र के रूप में विकसित होने लगा और इस प्रकार मुगल साम्राज्य के लिए एक संभावित खतरा बन गया। परिणाम स्वरूप गुरु अर्जन सिंह को 1606 में सम्राट जहांगीर के आदेश से फांसी दे दी गई। 1699 में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने सिख समुदाय को खालसा पंथ के नाम से एक राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित किया। खालसा पंथ एक ही ईश्वर में विश्वास करता है, जो सभी का स्वामी और रक्षक है और एकमात्र विधाता और विनाशक है। यह सिख पहचान को आकार देने में शायद सबसे शक्तिशाली दल के रूप में उभरा और आखिरकार एक सदी बाद सिख साम्राज्य की स्थापना हुई। गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु से पहले उन्होंने घोषणा की कि अब कोई मानव गुरु नहीं बनेगा और गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिख के पवित्र सिख ग्रंथों का संकलन है, वही शाश्वत गुरु होगा। इससे सभी सिख मार्गदर्शन के लिए उनकी ओर रुख कर सकते हैं। गुरु नानक की शिक्षा के सार का वर्णन करने के लिए उन्होंने नाम शब्द का उपयोग किया, जिसका अर्थ है उचित पूजा, दान जिसका अर्थ है कल्याण और स्नान जिसका अर्थ है आचरण की शुद्धता। ये आदर्श सिख धर्म में गहनता मानते हैं, जिसके 2 करोड़ 40 लाख से भी अधिक अनुयायी हैं।
हालांकि मानव गुरु सैकड़ों वर्षों पूर्व चले गए हैं, परंतु सिख धर्म आज भी मजबूत है।